सर्दी हो या गर्मी, मौसम एक ऐसी चीज़ है जिसके बदलने के साथ साथ हमें अपनी स्किन केयर रूटीन को भी बदलना पड़ जाता है। बात अगर गर्मियों की करें तो गर्मियाँ आते ही बहुत सारे लोगों की स्किन ऑयली होना शुरू हो जाती है, और जिनकी स्किन ड्राई होती है उसमें सेंसिटिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है, यानी रेडनेस आना शुरू हो जाती है, रैशेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, एक्ने निकलना शुरू हो जाती है। अगर आपको भी गर्मियों का सामना करना पड़ रहा है तो फिर चाहे आपकी स्किन टाइप कोई भी हो, ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, सेंसिटिव हो, कोई भी हो, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिन्हें फॉलो करके आप अपनी स्किन को हेल्दी एंड ग्लोई बना सकते हैं। टिप्स बताने से पहले ज़रूरी है कि हम ये देख लें भाई कि गर्मियाँ आने से पहले ऐसी कौन सी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमें होना शुरू हो जाती हैं। तो जी, सबसे पहले आ जाता है हमारे चेहरे पर ऑयल आ जाना। जी हाँ, आपने देखा होगा अक्सर लोगों की स्किन ऑयली होती है या नॉर्मल होती है, तो जैसे ही गर्मियाँ आने लगती हैं उनकी स्किन पर एक्सेसिव ऑयल का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही ब्लैक हेड, वाइट हेड्स, और भाई सबसे कॉमन मसला है जी ओपन पोर्स का। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के जो पोर्स होते हैं वो खुलने लगते हैं हीट की वजह से, गर्मी की वजह से, एक्सेसिव ऑयल की वजह से। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को एक्ने यानी पिंपल्स का मसला होना शुरू हो जाता है, लाल लाल मोटे मोटे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों को छोटे छोटे बारीक दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये सिर्फ चेहरे पर नहीं होते, कभी कभी ये आपकी गर्दन पर, आपकी बॉडी पर, आपके हाथों पर भी होने लगते हैं। तो जी, गर्मियाँ आते ही रैशेस का, पिंपल्स का, इन्फ्लेमेशन का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम स्किन पर यू नो कोई ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, लेज़र करवा रहे होते हैं, या एट टाइम्स हम फेस वैक्स करवाते हैं या एक्सफोलिएशन करवाते हैं, तो गर्मियों में अक्सर ये भी होता है कि इन सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स लेने के बाद हमारे चेहरे पर बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है और अजीब रैशेस पड़ जाते हैं, स्किन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। सो जी, गर्मियाँ आते ही आपने नोटिस किया होगा कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम होने के बजाय बढ़ने लगते हैं। सो जी, इन सारे मसलों से निमटने के लिए सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखें। चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, आपने एक बहुत अच्छे मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करना है। हम क्या सोचते हैं कि भाई गर्मियाँ आ गई हैं, चेहरे पे वैसे ही इतना मॉइस्चराइज़र आ रहा है, यानी एक्सेसिव ऑयल आ रहा है, तो हमारी स्किन को क्या ज़रूरत है मॉइस्चराइज होने की। लेकिन चाहे आपकी स्किन नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, ऑयली है, कोई भी स्किन टाइप आपकी है, ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें और रेगुलर बेसिस पे उसे अपनी स्किन पर ज़रूर अप्लाई करें। क्योंकि मॉइस्चराइज़र जो होता है वो ना सिर्फ आपकी स्किन के ऑयल को बैलेंस करता है, बल्कि आपकी स्किन के पीएच लेवल को भी बैलेंस करता है, जिससे जो एक्सेसिव ऑयल निकल रहा होता है वो भी कंट्रोल होता है। इसलिए आपने अक्सर डर्मेटोलॉजिस्ट को ये बोलते हुए सुना होगा कि भाई अपनी स्किन को चाहे सर्दी हो या गर्मी मॉइस्चराइज ज़रूर करें। स्किन हाइड्रेशन के लिए मॉइस्चराइजेशन के साथ साथ ज़रूरी है कि आप एक अच्छा सा टोनर भी इस्तेमाल करें। जी हाँ, मॉइस्चराइजेशन के साथ साथ जो टोनिंग का प्रोसेस होता है वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखने में, हमारे स्किन पे एक्सेसिव ऑयल को आने से रोकने के लिए, हमारे पोर्स को श्रिंक करने में। इसके अलावा स्किन हाइड्रेशन में जो तीसरी चीज़ आ जाती है वो है जी इस तरह के हाइड्रेटिंग फेस मास्क। जी हाँ, हम क्या करते हैं, गर्मियाँ आते ही हम अपनी स्किन पे से ऑयल को हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई हमारी स्किन पे एक्सेसिव ऑयल ना आए। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि ऑयल को स्किन से हटाना भी नुकसानदेह है, इससे हमारी स्किन पर रिंकल्स और इस तरह के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि हमारी स्किन पर एक बैलेंस्ड ऑयल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्सेसिव ऑयल को
कंट्रोल करने के लिए स्किन हाइड्रेटिंग मास्क जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। तो जी मॉइस्चराइज़र्स को लेकर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। मॉइस्चराइज़र जब भी आप ख़रीदें या जब भी आप इस्तेमाल करना शुरू करें तो मेक श्योर करें कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। अगर आपकी स्किन ड्राई है या सेंसिटिव है तो फिर आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें। ज़रूरी है कि आप एक से दो मॉइस्चराइज़र्स को अपने चेहरे पर ट्राई करें और जो आपको बेस्ट सूट करता है आपकी स्किन टाइप के हिसाब से आप उसी को अपने चेहरे पर रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करें। हम क्या करते हैं कि भाई हम मार्केट जाते हैं, जो भी मॉइस्चराइज़र हमें अच्छा लगता है, जिसकी हमें खुशबू अच्छी लगती है, हम वो ले आते हैं और उस पर देख लेते हैं कि भाई चलें ये ऑयली स्किन के लिए, ये ड्राई स्किन के लिए, और हम उसे लगाना शुरू कर देते हैं। और अक्सर गर्मियों में क्या होता है कि मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद हमें पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पर रेडनेस होना शुरू हो जाती है और हम समझते हैं कि भाई गर्मी में मॉइस्चराइज़र लगा लिया इस वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है कि भाई जो पर्टिकुलर मॉइस्चराइज़र हम खुशबू वाला अपनी मार्केट से ख़रीद कर ले आए हैं वो बेसिकली हमारी स्किन को सूट नहीं कर रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि जो भी मॉइस्चराइज़र आप अपने चेहरे पर अप्लाई करें उसका सबसे पहले एक छोटा सा सैंपल ख़रीदें, उसे अपने चेहरे पर लगाएं, देखें वो आपको सूट कर रहा है, उसके बाद ही उसे रेगुलर बेसिस पर अप्लाई करें। तो जी यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा और सवाल ये होगा कि यहाँ मैं आपको कोई अच्छा ब्रांड रेकमेंड क्यों नहीं कर रही आपकी स्किन टाइप के हिसाब से। उसका रीज़न यही है भाई कि जो चीज़ मुझे सूट कर रही है या यू नो जो मेरी स्किन पर अच्छे से काम कर रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी स्किन पर भी अच्छे से काम करे। इसलिए हर एक स्किन टाइप के हिसाब से भी जो स्किन सूटेबिलिटी होती है वो सबकी अलग अलग होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो चीज़ मुझे सूट कर रही है वो आपको भी सूट कर जाती है और आप समझते हैं कि भाई मेरी रिकमेंडेशन बहुत अच्छी थी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैंने आपको एक चीज़ रिकमेंड की, एक ब्रांड रिकमेंड किया और वो आपकी स्किन पर सूट नहीं किया। तो जी ऐसा भी होता है, इसलिए यहाँ मैं आपको कोई भी ब्रांड रिकमेंड नहीं कर रही। मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपनी जेब अपनी पॉकेट के हिसाब से जो आप अफोर्ड कर सकते हैं आप उस रेंज में एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र चूज़ करें, एक अच्छा सा टोनर चूज़ करें, अच्छे से हाइड्रेटिंग मास्क इस्तेमाल करें और अपनी स्किन हाइड्रेशन का गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सेकंड स्किन हाइड्रेशन के लिए जो मैंने आपको चीज़ बताई थी वो थी जी टोनर्स। जी हाँ, टोनर्स के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि अगर आप सही टोनर का यू नो सिलेक्शन ना करें या एक्सेसिव टोनर का इस्तेमाल करें तो हमारी स्किन ड्राई आउट होने लगती है। उसका रीज़न ये है कि टोनर जो होता है वो हमारे चेहरे के एक्सेसिव ऑयल को कंट्रोल करता है, हमारे पोर्स को क्लियर आउट करता है, पोर्स को श्रिंक करता है। इसलिए टोनर ख़रीदने के लिए भी आपको सेम यही प्रोसीजर का इस्तेमाल करना है। आपने एक छोटा सा सैंपल लेना है और ट्राई करना है, अगर आपकी स्किन को सूट करता है तो आप बेशक उसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करें। अगर किसी वजह से आप मार्केट से टोनर नहीं ख़रीदना चाहते तो मैं आपको बताऊँ कि आपके घर में एक बहुत अच्छा ऐसा टोनर है जो आप गर्मियों में ठंडा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रोज़ वाटर की, यानी गुलाब जल की, गुलाब के पानी की। आप एक छोटी सी बॉटल भर के, चाहे तो घर में बना लें या मार्केट में जो स्प्रे बॉटल्स में आते हैं इस तरह से, आप वो अपने फ्रिज में रेफ्रिजरेट कर लें और दिन में 3 से 4 बार इसे एज अ टोनर इस्तेमाल करें। ये भी एक बहुत अच्छा हाइड्रेटिंग टोनर का काम करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, आपकी स्किन पर एक ग्लो लेकर आता है। अगर रोज़ वाटर भी आपकी स्किन को सूट नहीं कर रहा है तो यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत जल्द मैं आपके साथ एक होम मेड टोनर शेयर करने वाली हूँ। और वैसे भी मैं अपने इस चैनल पर ब्यूटी टिप्स और ब्यूटी रिलेटेड चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। सो आई होप कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा और हो सकता है कि मेरी एक आध वीडियो आपके किसी काम आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ज़रूरी है कि आप साइड में जो नोटिफिकेशन यानी घंटी का बटन बना हुआ है उसे भी क्लिक कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन होने से मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगी वो आप लोगों के साथ शेयर होती रहेगी और आप लोगों के लिए आसानी होगी कि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो भाई सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है
सो भाई हम कितना सुनते हैं कि गर्मियाँ आ गई हैं, सनब्लॉक का इस्तेमाल करें, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, लेकिन हम में से कितने ही ऐसे लोग हैं जो सनब्लॉक को, सनस्क्रीन को इम्पोर्टेंस नहीं देते। जी हाँ, गर्मियों में ज़रूरी है कि आप जब भी बाहर निकलें अपनी स्किन के हिसाब से एक अच्छा सा सनस्क्रीन लगा कर निकलें, और जितने भी आपके एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं, यानी अगर आपका चेहरा खुला हुआ है, आपके हाथ खुले हुए, आपकी गर्दन खुली हुई, आपके पैर खुले हुए, कोई भी हिस्सा जो सूरज से एक्सपोज हो रहा है, ज़रूरी है कि आप उस पर अच्छे से सनब्लॉक लगा कर निकलें। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई सनब्लॉक नहीं लगा रहे तो क्या हो जाएगा गर्मियों में, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली चीज़ है कि आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो सांवला होने लगेगा, यानी जो आपका ओरिजिनल कॉम्प्लेक्शन है उससे वो डार्क होने लगेगा। जी हाँ, ये सूरज की वजह से होता है, सूरज में मौजूद यूवी रेज की वजह से होता है। दूसरी चीज़ जो होती है वो है जी पिगमेंटेशन का मसला। हम अक्सर देखते हैं कि यंग लड़कियों को, यंग बच्चों को भी पिगमेंटेशन का मसला होना शुरू हो जाता है, और ना सिर्फ चेहरे पर बल्कि हाथों पर भी आना शुरू हो जाता है। जी हाँ, तो ये जो पिगमेंटेशन के मसले होते हैं, चेहरे पर डार्कनेस आना शुरू हो जाती है, पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, हमारी गर्दन का एरिया काला होना शुरू हो जाता है, हमारे हाथ का एरिया काला होना शुरू हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो बेसिकली हमें गर्मियों में फ़ेस करनी पड़ती हैं वो सूरज की वजह से फ़ेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि हम बाहर जो हैं अपनी स्किन पर कोई चीज़ ऐसी इस्तेमाल नहीं कर रहे होते जो हमें सूरज के असरात से बचाए, नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाए। तो अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप सनब्लॉक का इस्तेमाल करें, और अपने चेहरे को भी ढांपें, अपने हाथों को भी ढांपें। जितना कम एक्सपोज्ड आप सन के अंडर होंगे उतनी ही अच्छी आपकी स्किन की कंडीशन होगी। तो जी, सनस्क्रीन में भी दो तरह की कैटेगरीज आती हैं, कुछ होते हैं वाटर बेस्ड और कुछ होते हैं ऑयल बेस्ड। तो आपने ख्याल रखना है कि गर्मियों में आप वाटर बेस्ड सनब्लॉक्स का ही इस्तेमाल करें, और SPF 30 सनब्लॉक जो होते हैं वो बेस्ट वर्क करते हैं तेज़ गर्मी में, जब सूरज बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। तो ज़रूरी है कि आप SPF 30 या उससे अबव का ही सनब्लॉक इस्तेमाल करें। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्किन हाइड्रेशन के साथ साथ आप अपनी बॉडी को भी हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि इनडायरेक्टली इसका इम्पैक्ट आपकी स्किन पर आता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पानी और लिक्विड्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, उससे आपके स्किन प्रॉब्लम्स दिन ब दिन कम होने लगेंगे। पानी कम पीने से ये होता है कि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन का मसला होना शुरू हो जाता है, और डिहाइड्रेशन की वजह से आपके चेहरे पर पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, और कुछ लोगों को तो इतने सीवियर इम्पैक्ट इसका फ़ेस करना पड़ता है कि भाई उनके होंठों पर ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है, उनकी स्किन पैची होना शुरू हो जाती है, लाफ लाइन्स पड़ना शुरू हो जाती हैं, आँखों के इर्द गिर्द रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, होंठ डार्क होने लगते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी स्किन पर अचानक से होने लगती हैं और आप सोचते हैं कि भाई ये क्यों हो रही हैं, उसका रीज़न एक ये भी होता है कि आप पानी नहीं पी रहे होते, आप अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन की तरफ ले जा रहे होते हैं। सो जी, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कम से कम 8 ग्लास पानी एक दिन में ज़रूर पिएं, अगर इससे ज़्यादा पी लें, क्योंकि गर्मियां हैं, गर्मियों में पसीना बहुत आता है और हमारी बॉडी का पानी पसीने के थ्रू ज़ाया हो रहा होता है, इसलिए आप चाहें तो ज़्यादा भी पी सकते हैं, लेकिन मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ कि एटलीस्ट 8 ग्लास पानी ज़रूर पिएं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लो करे और आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स कम से कम हों। सो जी, हमारा चेहरा जो होता है वो हमारी पर्सनालिटी का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो दूसरे नोटिस करते हैं। जी हाँ, जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारा चेहरा ही होता है जो दूसरे देख रहे होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहली प्रायोरिटी अपने चेहरे को दें और अपनी फेस केयर का ख्याल रखें। गर्मियों में क्या होता है कि हमें पसीना बहुत आ रहा होता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव ऑयल हमारे चेहरे पर आता है, नाक पर, चीक्स पर,
बालों पर, तो ये सारे मसले होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि जी हम दिन में एक बार एक अच्छे से फेस वॉश से अपना चेहरा धोते हैं और समझते हैं कि भाई काम ख़त्म। तो जी ऐसा नहीं होता। गर्मियों में आपने करनी है एक्स्ट्रा केयर और सिर्फ एक बार अपने फेवरेट फेस वॉश से मुंह धो लेना काफ़ी नहीं है। यहाँ मैं आपको टिप दूंगी कि आपने गर्मियों में ये बेवकूफ़ी नहीं करनी कि बार बार आप फेस वॉश से अपने चेहरे को धोएं। आपने नॉर्मल जो टैप का वाटर होता है, बस हार्ड वाटर ना हो, जो नॉर्मल टैप वाटर होता है, उससे अपने चेहरे को 6 से 8 बार दिन में धोना है। जी हाँ, तो आपने सिर्फ सादे पानी से अपने चेहरे को धोना है। इससे ये होगा कि एक तो आपके चेहरे पे जो ऑयल मेंटेन रहना चाहिए वो मेंटेन रहेगा, क्योंकि फेस वॉश क्या करता है, उस ऑब्वियसली वो केमिकल वेस्ट होता है, तो वो आपके चेहरे से एक्स्ट्रा ऑयल जो आपके चेहरे की नीड है ऑयल की, वो भी हटा देता है, वो भी साफ़ कर देता है, जिससे आपका चेहरा ड्राई पड़ने लग जाता है और या फिर आपकी स्किन टाइप शिफ्ट होने लगती है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की स्किन पहले बड़ी ऑयली होती है, लेकिन वो इतनी मरम्मत करते हैं अपने चेहरे की फेस वॉश का इस्तेमाल करके, स्क्रबिंग करके, फेस मास्क लगा के, कि उनकी स्किन पर शिफ्ट होने लगती है कॉम्बिनेशन से और फिर आहिस्ता आहिस्ता ड्राई की तरफ चली जाती है। सो जी आपने ये गलती नहीं करनी है। आपने फेस वॉश अच्छा सा यूज़ करना है अपनी स्किन टाइप के हिसाब से, लेकिन दिन में सिर्फ एक बार। अगर बहुत हो गया, आप मेकअप यूज़ करते हैं या आपका बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी का है, तो दिन में 2 बार। इसके अलावा आपने फेस वॉश को ज़्यादा यूज़ नहीं करना और मेक श्योर करना है कि आप पानी से अपने चेहरे को बार बार धोएं। वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके चेहरे से पोर्स को क्लियर आउट रखने में, गंदगी को हटाने में। तो जी इन सारी चीज़ों के अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने चेहरे की कुछ एक्स्ट्रा केयर भी करें। अब एक्स्ट्रा केयर में जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है वो है जी एक्सफोलिएशन। जी हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक्सफोलिएशन पर जितना एम्फसाइज मेरे चैनल पर मैंने किया है, शायद ही किसी यूट्यूबर ने या इन्फ्लुएंसर ने किया हो। उसका रीज़न ये है कि भाई मैंने एक्सफोलिएशन के रिज़ल्ट्स देखे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपकी क्लिनजिंग का या आपकी स्किन केयर रूटीन का। अपनी स्किन से डेड स्किन सेल्स को हटाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि खाना खाना है। जी हाँ, सो जी एक्सफोलिएशन को तो आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, स्पेशली गर्मियों में। वैसे चाहे गर्मियाँ हो या सर्दी, आप अकॉर्डिंगली एक्सफोलिएशन ज़रूर करें अपनी स्किन के। एक्सफोलिएशन हेल्प करता है आपके चेहरे से डेड स्किन सेल को हटाने में। अगर आप मार्केट से कोई अच्छा एक्सफोलिएटर ख़रीद कर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि होममेड एक्सफोलिएटर इस्तेमाल करें तो मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस और बहुत सारी रेमेडीज़ मिल जाएंगी एक्सफोलिएशन से रिलेटेड। सो जी यहाँ मैं आपको बता दूं कि एक्सफोलिएशन जो है वो आप मिनिमम हफ्ते में एक बार करें। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, आप मेकअप का इस्तेमाल करते हैं, आपका बाहर का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार भी ज़रूर करें। उससे हेल्प होगा आपकी स्किन से डेड स्किन से को हटाने में और एक नई स्किन लेयर को ऊपर आने में। तो जी एक्स्ट्रा केयर में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है होम रेमेडीज यानी घरेलू टोटके। हम में से काफी लोग मार्केट के जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं उन पर बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपनी रेंज के हिसाब से उन्हें भी इस्तेमाल करें, उनके भी रिजल्ट अच्छे होते हैं। लेकिन जो बात होम रेमेडीज की होती है वो बात तो भाई किसी चीज में नहीं है। उसका रीजन ये है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर होते हैं। सो जो लोग सेफली अपनी स्किन के साथ अपनी स्किन को ग्लो कराना चाहते हैं, अपनी स्किन की हेल्थ को मेंटेन रखना चाहते हैं, या अपने किसी भी स्किन प्रॉब्लम को डील करना चाहते हैं, तो होम रेमेडीज़ का रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करना ज़रूरी है। होम रेमेडीज़ में आपको सब कुछ मिल जाता है जी, चाहे एक्सफोलिएशन हो या टोनिंग हो, हर चीज़ के लिए आपको होम रेमेडीज़ का ऑप्शन घर में आराम से मिल जाएगा। आप आराम से घर में अवेलेबल चीज़ों को ही इस्तेमाल करके अपने चेहरे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और यकीन जाने इनके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग होते हैं। और अपने इस चैनल पर मैं होम रेमेडीज अक्सर शेयर करती रहती हूँ, तो आप ज़रूर मेरे चैनल पर विज़िट करें, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को देख लें या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आप उसमें देखेंगे कि मैं अक्सर बहुत ही आसान रेमेडीज़ शेयर करती हूँ जिनके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग होते हैं। तो जी गर्मियों में आपने होम रेमेडीज़ को अपनी स्किन
के रूटीन का पार्ट बना लेना है। तो जी एक्स्ट्रा केयर में तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेल्दी डाइट। जी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वाटर बेस्ड जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनको भी अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। सिर्फ जंक फूड ना खाएं या सिर्फ कार्ब्स ना खाएं। आप वाटर बेस्ड जो जितने भी हमारे फ्रूट्स होते हैं उनको खाएं और अच्छे अच्छे खाने खाएं, हेल्दी खाने खाएं, तो उसका भी आप देखेंगे कि आपकी स्किन पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी हेल्थ पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जी ये थी मेरी तरफ से बहुत ही आसान सी 5 स्किन केयर टिप्स जो आप गर्मियों में अडॉप्ट करके अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा ग्लोई बना सकते हैं। और यकीन माने ये बहुत ही आसान टिप्स हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अक्सर अपनी डेली रूटीन में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देते हैं, छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं रखते। सो जी ज़रूरी है कि आप इस गर्मियों में ये तय कर लें कि आपने अपनी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करनी है, सनस्क्रीन लगा के बाहर निकलना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, अपने चेहरे पे एक्स्ट्रा केयर करनी है और होम रेमेडीज़ को अपनी स्किन केयर रूटीन का पार्ट बनाना है। चले जी इसी के साथ करती हूँ वीडियो को एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।